मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरे पार्ट तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे तीसरा पार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन। एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो एस 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? क्या बताना है? टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो मान लीजिए चौथे का तीसरा पार्ट है, कुल सही उत्तर माना, सही उत्तर माना, सही उत्तर x है और गलत उत्तर y है। सही उत्तर का x प्रश्न है, गलत उत्तर का y प्रश्न है। तो ये कह रहा है s ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तो 3x हो जाएगा। फिर कह रहा है अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, अशुद्ध यानी कि गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, माइनस करेंगे, माइनस y इक्वल टू कितना, 40 अंक दिया है, 40 के बराबर करेंगे। ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। फिर ये कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहे हैं तो 4x होगा माइनस गलत उत्तर पर कितने अंक मिल रहे हैं, 2 अंक कटते हैं, गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो माइनस 2y इक्वल टू कितने के बराबर, 50 अंक के बराबर, इक्वल टू 50। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ पे देखिए एक को हम बराबर करेंगे, चाहे x को बराबर करें या x को बराबर करें या y को बराबर करें। तो अगर x को बराबर करेंगे तो बहुत गुणा कराना पड़ेगा, तो हम y को बराबर करते हैं। तो y में हम समीकरण 1 में कितने से गुणा करा दें कि यहाँ पे हमको 2y मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे 2y है तो यहाँ पे भी तो 2y होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों पद कटेगा आपस में। तो यहाँ पे हम 2 से गुणा कराएंगे, और केवल y में ही नहीं कराएंगे, पूरे समीकरण में 2 से गुणा कराएंगे, सॉरी समीकरण 1 में 2 से गुणा कराएंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 6x माइनस 2y इक्वल टू 40 × 80। तो ये इक्वेशन 3rd आ गया। अब यहाँ से हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाएंगे, नहीं जोड़ेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 जोड़ेंगे तो ये माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, तो माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल होगा, तो 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 2x माइनस में इक्वल टू 80 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा माइनस में। तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x इक्वल टू 30/2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, x इक्वल टू 15। x की वैल्यू कितनी आई, 15 आई। फिर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस y इक्वल टू 40 है। 3x x के स्थान पे कितना रखेंगे, 15 रखेंगे, तो 3 × 15 माइनस y इक्वल टू
40, 15 या 45 माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस वाई पक्षांतर करेंगे तो 45 को बराबर के उधर लेके जाएंगे, 40 माइनस 45 माइनस वाई इक्वल टू 45 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा माइनस 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो यहाँ पे ये कह रहा है कुल कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, सही उत्तर के कितने प्रश्न आए हैं, 15 आए हैं और गलत उत्तर के 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न गलत हुआ और 15 प्रश्न सही हुआ, तो कुल मिला के कितने प्रश्न हुए, 20 प्रश्न हुए। टेस्ट में कितने प्रश्न दिए गए थे, 20 प्रश्न दिए गए थे। फिर अगला पार्ट देखते हैं इसी का, चौथा पार्ट है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों कारों की चाल बतानी है, एक कार ए है दूसरी कार बी है। चौथा पार्ट है, चौथे का चौथा पार्ट है, एक कार ए है दूसरी कार बी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी दी गई है। एक कार की चाल x किलोमीटर मानते हैं, माना एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं। तो ये कह रहा है और समय दिया है इसका 5 घंटा, समय कितना दिया है, समय 5 घंटा दिया है और ये कह रहा है एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल, चाल कितना है, x माने हैं a का, a की चाल x किलोमीटर माने हैं, x होगा गुणे समय, समय कितना माने हैं, 5 घंटा, 5 होगा। तो दूरी कितनी आई, ये a की दूरी आई, किसकी, कार a की दूरी आई। फिर कार b की दूरी देखते हैं तो यहाँ भी होगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पे चाल कितना माने हैं, बी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, तो यहाँ पे y लिखेंगे गुणे समय कितना है, समय तो वही है 5 ही घंटा, तो 5 हो जाएगा। तो ये किसकी दूरी आई, कार b की दूरी आई, ये कार a की दूरी है और ये कार b की दूरी है। तो अब ये कह रहा है ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, कार ए इस दिशा में चल रही है, कार बी इस दिशा में चल रही हैं, तो ये देर में मिलेंगी, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो ए में से बी को घटाएंगे, 5x माइनस 5y इक्वल टू, टोटल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर है, बराबर 100, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब देखिए फिर दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, इसमें विपरीत चल रही हैं, ए इस दिशा में चल रही है, बी इस दिशा में चल रही है, तो इसका चित्र ऐसे बनेगा, ये कार ए है और ये कार बी है, तो इनकी भी दूरी 100 किलोमीटर दिया है, तो कार ए की चाल कितना मानेंगे, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, y
किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें दिया है एक किलोमीटर एक घंटा समय दिया है, कितना समय दिया है एक घंटा। तो ये कह रहा है विपरीत दिशा में। अब यहाँ से पहले हम दूरी निकालेंगे, कार ए की दूरी निकालेंगे और कार बी की दूरी निकालेंगे। तो कार ए की दूरी होगा चाल गुणे समय, ए की दूरी क्या होगा चाल गुणे समय, चाल कितना माने हैं एक्स माने हैं, गुणे समय कितना दिया है एक घंटा दिया है एक, और बी की दूरी कितनी होगी वाई गुणे एक होगा, समय तो वही रहेगा एक ही घंटा, तो एक से गुणा करा दिए। अब ये कह रहा है विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत दिशा में चलेंगी तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, ए इधर चल रही है बी इधर आ रही है तो दोनों जल्दी मिल जाएंगी तो हम प्लस करेंगे, तो एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है तो बराबर 100, ये इक्वेशन टू हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट के नीचे इक्वेशन टू लिखेंगे, तो एक्स यहाँ पे देखिए 5y है ना, तो यहाँ भी हम y बराबर करते हैं तभी तो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 5 है 5y है और यहाँ पे भी 5y लाने के लिए कितने से गुणा कराएंगे 5 से गुणा कराएंगे, तो समीकरण दो में 5 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 100 का गुणा 5 में कराएंगे तो 500 होगा 500, ये इक्वेशन 3 हो गया। माइनस 5y है प्लस 5y है तो दोनों कैंसिल होगा 5 5 10, एक्स इक्वल टू 500 में 100 जोड़ेंगे 600 आएगा 600, एक्स इक्वल टू 600 बटे 10, 0 से 0 कैंसिल होगा एक्स इक्वल टू 60, 60 क्या माने हैं चाल माने हैं तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एक्स का मान आ गया। तो कार ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ये कार ए की चाल आ गई। फिर कार बी की चाल निकालते हैं तो वाई का मान कैसे आएगा, जब हम समीकरण एक में रखेंगे तो y का मान आएगा, तो समीकरण एक में नहीं समीकरण दो में रखते हैं, a में भी रखने से आ जाएगा और दो में भी रखने से आ जाएगा, तो हम समीकरण दो में रखते हैं x का मान, समीकरण दो में रखने पर तो समीकरण दो क्या है, समीकरण दो x प्लस वाई है, x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो यहाँ पे x का मान 60 है ना, x के स्थान पे हम कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे, 60 प्लस वाई, वाई को तो हम ऐसे ही लिखेंगे y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100 माइनस 75 करेंगे, 60 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे माइनस में होगा तो माइनस 7, तो y इक्वल टू 100, 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, तो ये किसकी चाल आ गई कार b की चाल, तो कार b की चाल कितनी आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कार b की चाल आ गई। और यही तो पूछना है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, तो कार ए की चाल 60 आ गई, कार बी की चाल 40 आ गई। फिर अगला पार्ट इसी का देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, आयत की बीमाएं ज्ञात कीजिए।
तो इसमें क्या बताना है? आयत की बीमा बताना है। बीमा का मतलब क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो ये पांचवा पार्ट है, चौथे का पांचवा पार्ट। एक आयत है, आयत की लंबाई हम x मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं। ऐसे ना बनाएं आयत, ऐसे ही मान ले रहे हैं। माना आयत की लंबाई x है, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर और आयत की चौड़ाई y मीटर मानते हैं। आयत की चौड़ाई y मीटर। अब देखिए, ये कह रहा है आयत का क्षेत्रफल। पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना माने हैं? x मीटर माने हैं, और चौड़ाई y मीटर माने हैं। तो ये हो जाएगा xy क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ? xy मीटर स्क्वायर। फिर ये कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई हम कितना माने हैं? x माने हैं। तो 5 मीटर कम कर देंगे तो कितना आएगा? x माइनस 5 होगा। फिर ये कह रहा है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चौड़ाई y माने हैं तो 3 इकाई बढ़ा देंगे, +3। तो ये कह रहा है क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। ये भी तो क्षेत्रफल होगा। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये गुणे है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल ही तो आई है। तो कह रहा है क्षेत्रफल कितना कम कर दें? 9 वर्ग इकाई कम कर दें। तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना है? xy है। तो कह रहा है 9 वर्ग इकाई कम कर दें, तो -9 करेंगे। अब इसका हम गुणा कराएंगे, x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में कराएंगे, तो ये हो जाएगा xy प्लस x का गुणा फिर 3 में कराएंगे तो 3x होगा, माइनस फिर -5 का गुणा y में कराएंगे तो -5y होगा, -5 का गुणा 3 में कराएंगे 15 होगा, -15 इक्वल टू xy -9। यहाँ पे देखिए xy, अगर हम xy को बराबर के इधर लेके आएंगे माइनस में होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3x -5y इक्वल टू -9, 15 को बराबर के उधर लेके जाएंगे +15 होगा, +15। तो 3x -5y इक्वल टू 15 में इसे 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर देखिए, फिर ये कह रहा है, अब फिर दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई 3 इकाई बढ़ा दें, x प्लस 3 होगा इंटू x प्लस 2 होगा, सॉरी y प्लस 2। लंबाई में 3 की वृद्धि करनी है, चौड़ाई में 2 की वृद्धि करनी है। तो ये कह रहा है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल xy है ना, xy में कितने की वृद्धि हो रही है? 67 की।
प्लस 67। फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे, गुणा कराएंगे x का, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स का गुणा 2 में होगा 2x होगा, प्लस 3 का गुणा y में कराएंगे 3y होगा 3y, प्लस 3 का गुणा 2 में कराएंगे तो 6 होगा इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिए, तो ये होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67। 6 को बराबर के उधर लेके जाएंगे, माइनस में होगा, माइनस 6 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। 67 में से 6 घटाएंगे तो 61 आएगा, ये इक्वेशन 2 आ गया। अब देखिए, अब समीकरण 2 को समीकरण 1 के नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y। अभी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे पहले हम बराबर कर लेते हैं। किसको बराबर करें? x और x को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 से गुणा कराना होगा और यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे तभी तो x बराबर होगा। तो यहाँ पे 2 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, ये 6x होगा, माइनस फिर 2 का गुणा 5 में कराएंगे तो माइनस 10 होगा, माइनस 10y इक्वल टू 6 दूनी 12। और यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9y इक्वल टू 3 1 3 3 6 18। अब हम इसको इसके नीचे लिखते हैं तो ये होगा 6x प्लस 9y और इक्वल टू 183। तो यहाँ पे देखिए, माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस, तो इससे ये कैंसिल होगा। 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा, 19y इक्वल टू 183 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 171 आएगा। y इक्वल टू 171/19, तो 19 9 171, 19 1 19, 19 9 171, y इक्वल टू 9। y की वैल्यू कितनी आई, 9 मीटर। तो आयत की चौड़ाई कितनी आ गई, 9 मीटर। फिर लंबाई निकालनी है तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 है, तो 3x माइनस 5 गुणे y है, y के स्थान पे कितना रखेंगे, 9 रखेंगे, 9 इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 9 5 45 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 75 करेंगे, 45 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 6 प्लस 45, तो 3x इक्वल टू 45 में 6 जोड़ेंगे 51 आएगा, 51, तो 3 1 3, 3 1 3 2 5, 3 7 21, एक्स का मान कितना आया, 17 मीटर। तो लंबाई कितनी आई, 17 मीटर। और यही तो पूछ रहा है, कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई।